वेलकम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑनलाइन क्लास क्लास 5। आई एम योर टीचर मिस सना मारिया। टुडे वी आर गोइंग टू रिव्यू आवर चैप्टर्स दैट वी हैड डन इन लास्ट वीक। द चैप्टर नंबर 8, फर्स्ट चैप्टर बॉक्सेस। ठीक है, वो चैप्टर बॉक्सेस के अंदर हमने क्या रीड किया था कि वी रीड एंड अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन बिटवीन एनिमल्स टू द सेम स्पीशीज एंड देयर थ्री टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, डू यू थिंक एनिमल कैन कम्युनिकेट? क्या ये आप सोचते हैं कि एनिमल कम्युनिकेट कर सकते हैं? ठीक है, नो, थिंक अगेन। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ एनिमल कम्युनिकेशन। ठीक है, एनिमल्स के जो कम्युनिकेशन है वो हमारे पास थ्री टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो एनिमल जो कम्युनिकेशन करते हैं, दे आर थ्री टाइप्स ऑफ एनिमल्स कम्युनिकेशन। इसके अंदर है, देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ एनिमल कम्युनिकेशन। दे ऑल हैपन फॉर डिफरेंट रीजंस। ठीक है, जो डिफरेंट रीजंस के लिए जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं। फर्स्ट जो है, फर्स्ट इसके अंदर जो हमारे पास टाइप बताई गई है वो कौन सी टाइप है? ठीक है, डिफेंडिंग टेरिटरीज एंड अट्रैक्टिंग अ मेट। ठीक है, अटैकिंग अ मेट मीन्स के वो अपने सेम जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको उनको बचाने के लिए उनका डिफेंड करते हैं, उनके लिए फाइट करते हैं, किसी ना किसी तरह उनको कम्युनिकेट करते हैं कि कुछ कोई डेंजर जोन में या कुछ ना कुछ कोई उन पे अटैक करने वाला। ठीक है, नाउ आई विल रीड एंड हिप्पोस कम्युनिकेट अंडर वाटर एंड ऑन लैंड बट मोस्टली दे कम्युनिकेट अंडर वाटर बाय मेकिंग नॉइस कॉल्ड ग्रंट एंड ब्लोज। On land, the volume of their blows can reach 150 decibels. That's louder as thunder or as jet plane. They communicate with each other to defend their territories, which is their own space. Hippos blow when they fight other hippos and when they want to attack a mate. In this paragraph, we read about the hippos. Hippos communicate in water and on land. Hippos जो है वो दोनों जगह communicate करते हैं, पानी के अंदर भी और जमीन के अंदर भी। ठीक है, but mostly they communicate under water. जो ज्यादातर होते हैं वो कहाँ communicate करते हैं? Under water communicate करते हैं। इनकी इनकी जो वॉइस होती है, जब वो कम्युनिकेट करते हैं, वॉइस करते हैं, एक थंडर की तरह की होती है, एक स्टॉर्म की तरह की होती है, और एज अ जेट प्लान, जैसे कोई जेट प्लान होता है उसकी तरह की होती है। दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर टू डिफेंड देयर टेरिटरीज मीन्स अपने जो साथी होते हैं उनको बचाते हैं ये लोग। डिफेंड मीन किसी से फाइट करना, अपने साथियों को बचाने के लिए उनसे फाइट करते हैं, बचाते हैं अपने साथियों को। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं वॉट इज हनी बी। हनी बी क्या है? हनी बी do a special kind of dance called woggle dance when they find nectar, water or pollen. The dance is like a map of their journey. The dance help other bees locate the nectar, water or pollen. अब इसके अंदर क्या है हमारे पास कि हनी बी जो है वो किस तरह कम्युनिकेट करती है? हनी बी जो है अपनी जो दूसरी हनी बीज होती है उनसे किस तरह कम्युनिकेट करती है? वो एक डांस करती है, वो एक मैप की तरह घूम रही होती है, वो उनका एक डांस होता है जिसमें वो मैसेज कम्युनिकेट कर रही होती है अदर हनी बीज को कि कहाँ पे नेक्टर है, कहाँ पे वाटर है, कहाँ से इन्होंने जूस लेना है। ये उसका कम्युनिकेट करने का एक वे होता है कि ये कम्युनिकेट कर रही होती है। ठीक है, कम्युनिकेट थ्रू डांस, ये डांस करती है। आप लोग को पता था कि हनी बीज डांस भी करती है? दे डू डांसिंग When they communicate the message, जब ये communicate कर रही होती है एक दूसरे को। Anybody know about this? Okay, ठीक है, ठीक है, चलो next। अब क्या है danger? अब कोई animals danger में होते हैं तो ये किस तरह communicate करते हैं danger के बारे में अब हम देखते हैं। Most animals have predictors,
that wants to kill and eat them. Predictors means जो दूसरे animals predict करते हैं, शिकार बनाते हैं किसी animals को, कि उनको उनका पहले शिकार बनाते हैं और फिर उनको खा जाते हैं. ठीक है, lion, cheetah and eagles पे और वॉर्वेट monkeys. So the monkey have alarm signals for each predictors. ठीक है, क्या है अभी इसके अंदर जो हमारे पास ये मंकी का जिक्र हुआ है, तो ये क्या है कि ये आपस में जब ये कम्युनिकेट करते हैं तो क्या करते हैं कि ये किसी ना किसी कोई ना कोई आवाज निकालते हैं. अब ये जो मंकी के बारे में हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन वर्वेट मंकीज हियर द लॉयन और चीतास, ये सिग्नल क्या करते हैं कि ट्री के ऊपर क्लाइम कर जाते हैं, ट्री के ऊपर चढ़ जाते हैं. लेकिन जब ये फ्लोर पे होते हैं तो ये जब ट्री पे चढ़ जाते हैं और जब इनको किसी ईगल की या कोई डेंजर की आवाज सुनाई देते हैं तो ये क्या करते हैं, दे हाइड ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर. ये फॉरेस्ट का जो फ्लोर होता है उसके ऊपर हाइड हो जाते हैं. ठीक है, ये तो हमने देखा कम्युनिकेशन बिटवीन एनिमल्स ऑफ द सेम स्पीशीज. अब देखते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. ठीक है, अब देखते हैं इनमें क्या है, ये किस तरह कम्युनिकेट करते हैं. अब क्या है वार्निंग, द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इज अ वार्निंग नॉइज. अब क्या है कि एक वार्निंग नॉइज भी होती है कि कुछ यहाँ पे डेंजर है, कुछ ना कुछ वो अपने कुछ ना कुछ ये इस तरह के साइन करते हैं कि किसी दूसरे अपने जो इनके दूसरे जो इनके टाइप के एनिमल होते हैं कि वो भी कम्युनिकेट हो जाए कि कोई ना कोई थ्रेड है यहाँ पे, कोई ना कोई यहाँ पे खतरा है. ठीक है, अब उसके बाद क्या है हमारे पास है एक अब यहाँ पे बात हो रही है हमारे पास लिजर्ड और ट्री हॉपर की. ठीक है, a type of lizard called a gecko and an insect called a tree hopper cooperate with each other. They both eat honeydew, a sweet sticky liquid that comes from tree. The gecko see the tree hopper vibrating its stomach, so it know that the tree hopper is eating honeydew. The gecko shakes its head to indicate to the tree hopper that it wants honeydew to tree hopper grow honeydew towards the gecko which catch it and its mouth. Why does the hopper do this? It's possible that the gecko protect the hopper from predators. अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, हम लोग जो lizard है जिसको gecko कह रहे हैं कि वो और insect दोनों जो एक दूसरे से क्या करते हैं, cooperate करते हैं. They both eat honeydew. वो दोनों एक दूसरे को honeydew को खाते हैं. A sweet sticky liquid that comes from tree. ठीक है, जो एक sweet सा liquid आ रहा होता है जो tree से आ रहा होता है. The gecko see the tree hoppers vibrate its stomach, so it's know that the tree hopper is eating honeydew. अब क्या है इसके अंदर के जब जो है tree hopper जो gecko है जब tree hoppers को देखती है तो क्या करती है, अपने stomach को vibrate करती है. अब इसका क्या मतलब है, सो इट्स नो दैट द ट्री हॉपर इज ईटिंग हनी ड्यू. ठीक है, द ग्रीको शेक्स इट्स हेड टू इंडिकेट. अब ग्रीको क्या इंडिकेट कर रही है, अपने इंडिकेट टू ट्री हॉपर दैट इट्स वांट हनी ड्यू, के उसको हनी ड्यू चाहिए. वो उनके आपस में ये कम्युनिकेट करने का वे है. ठीक है, दैट्स द वे ऑफ कम्युनिकेट, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड टाइप के ऊपर के थर्ड टाइप हमारे पास क्या है, थर्ड टाइप हमारे पास क्या है. अब क्या है कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स. ठीक है, अब इंसानों और एनिमल्स का किस तरह का कम्युनिकेशन है. जो डॉल्फिन होती हैं, पैरट डॉल्फिन और पैरट जो होती हैं वो आपस में पैरट्स आर द एनिमल्स दैट हैव कम्युनिकेट द मोस्ट विथ ह्यूमंस. मीन्स ये
ह्यूमंस के साथ कम्युनिकेट करती हैं। अगर आप लोग को याद होगा, जब हमने लास्ट टाइम ऑनलाइन क्लासेस ली थी तो हमने एक चैप्टर पढ़ा था मैजडी एंड विद डॉल्फिन के, मैजडी की और डॉल्फिन की कितनी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है कि जो मैजडी होता है, मैजडी को जो डॉल्फिन होती है, डॉल्फिन जो वो मैजडी को बचा लेती है। मैजडी एक स्ट्रॉम शिप में जा रहा होता है तो क्या स्ट्रॉम आता है तो उसकी शिप जो है वो पानी में उल्टी हो जाती है, तो वो क्या वो पानी में उसको स्विमिंग नहीं आती तो वो पानी के अंदर नीचे हो रहा होता है, तो फिर क्या करते हैं कि जो डॉल्फिन होती है वो उसको अपने बैक के ऊपर उसको इस तरह उसको सपोर्ट देती है कि वो उसकी डॉल्फिन के ऊपर बैठ जाते हैं और वो उसको फिर ड्राई एरिया पे किनारा के ऊपर ले आती है। ठीक है, द फेमस बेनबूज एपी केंजी वॉज द फर्स्ट नॉन ह्यूमन्स टू लर्न लैंग्वेज द वे अ चाइल्ड डज बाय लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग अ साइंटिस्ट सैड। अब क्या है इसके अंदर कि अब जो ह्यूमंस के साथ इनका क्या बहुत अच्छा एक जो कम्युनिकेशन बन गया था, साइंटिस्ट सैड जो अब साइंटिस्ट से कितने वर्ड सीखे थे मंकी ने, 450 वर्ड जो थे वो सीखे थे, ये आपस में उनका कम्युनिकेट था। ठीक है, एलेक्स वॉज अ ग्रे पैरट। अब जो हम लोग ये पैरट की बात करें कि एलेक्स जो है वो एक ग्रे पैरट है, ठीक है, और बट ही कुड ऑल्सो डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स कलर्स एंड शेप। अब ये इसने क्या इसमें कलर सीखे थे, ऑब्जेक्ट जो चीज ऑब्जेक्ट्स इसने देखे थे, जो शेप्स वगैरह इसने देखी थी वो सब इसने क्या की कि उनको उसने लर्न किया और उसको डिफाइन कर दिया। ही डाइड व्हेन ही वॉज 31। ये जब 31 ईयर का था तो इसकी ये डाइड कर गया था। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास जो कम्युनिकेशन था आपस में ह्यूमंस एंड एनिमल्स का और डिफरेंट एनिमल्स का कि एक दूसरे को किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सब चीजें थी हमारे पास कि इनको किस तरह जो है वो प्रोटेक्ट किया। हमारे पास कम्युनिकेशन बिटवीन एनिमल एंड डिफरेंट स्पाइशीज, कम्युनिकेशन विद एनिमल्स एंड सेम स्पाइशीज। ठीक है, ये हमारे पास टाइप्स थी। ठीक है, देर आर द टाइप्स ऑफ एनिमल्स, चैटर बॉक्सिस, कम्युनिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, वी हैव लर्न थ्री टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन टाइप्स। ठीक है, हमने थ्री टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने देखा कि एनिमल्स का जो कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह का होता है। ठीक है, तो क्लियर है, दीज थिंग्स आर क्लियर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? लिसन स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस यस टीचर। ओके, वेरी गुड। ओके, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट चैप्टर। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का जो ओवरव्यू करेंगे तो अब नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर यूनिट नंबर 9, जर्नी बैक इन टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिन ट्रैवलिंग बैक इन टाइम, हु डू यू सी, हु सी यू, वेयर वुड यू गो, what amazing things might you discover there? Many countries have made contribution to our modern life. Some have invented things, others have given us art, music and stories. Okay, what we have in the first quotation, we have imagine traveling back in time. Okay, traveling back in time ke baare mein bataya gaya hai ke many countries jo hai wo unhone hum bahut zyada contribute kiya hai ke modern life ko modern karne mein. बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने चीजें इन्वेंट की हैं। ठीक है, तो आज हम वो ही पढ़ेंगे। ठीक है, वी लर्न अबाउट द जर्नी बैक इन टाइम, मेसोपोटामिया। यू स्टार्ट योर जर्नी एंड एनेशियंस मेसोपोटामिया, दैट्स अ प्लेस वी नाउ कॉल इराक। ये वो प्लेस है जिसको पहले इराक कहा जाता है, मेसोपोटामिया। एक जो दो हमारे पास बड़े रिवर्स है जिसको जहाँ पे ये जो है बहुत ह्यूज रिवर्स हैं जहाँ पे जो है ये मेसोपोटामिया है। द पीपल देयर नीड गुड बोट्स टू ट्रैवल ऑन दीज रिवर्स सो दे कुड एक्सप्लोर और ट्रेड्स। सो 5000 ईयर अगो द मेसोपोटामियन इन्वेंटेड अ न्यू टाइप ऑफ सील बोट, देयर डिजाइन इज स्टिल बीइंग यूज्ड टुडे। वन ऑफ दीज सील बोट्स कैन टेक यू टू मैनी डिफरेंट प्लेसेस अलोंग द रूट्स ऑफ योर जर्नी। अब इसके अंदर क्या है कि जो है मेसोपोटामिया में क्या है कि वहाँ पे दो ह्यूज रिवर्स हैं और वहाँ से लोग जो है चीज़ें जो है ट्रैक करते हैं, तिजारत करते हैं, तो वो अब सील बोट जो है वो ये वहीं पे इन्वेंट हुई थी मेसोपोटामिया में। ठीक है,
और मेसोपोटामियंस को जो अब क्या कहते हैं, इराक कहते हैं, ये उसका ओल्ड नेम था. ठीक है, देयर डिजाइन इज स्टिल यूज टूडे. अब ये जो डिजाइन है ये आज भी यूज होता है. ठीक है, सील बोट्स अभी भी यूज करते हैं, वो अपनी जर्नी के लिए, अपने सफर के लिए इनको यूज करते हैं. बिफोर यू लीव मेसोपोटामिया बी श्योर टू विजिट अ सिटी कॉल्ड सुमर. मैनी थिंग्स वर इन्वेंटेड देयर. व्हाट सुमेरियन इन्वेंट कैन यू टेक ऑन योर जर्नी. देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन वॉज समथिंग यू कैन टेक with you anywhere. Waiting, the Mesopotamians and Sumer found a way to make pictures on clay tablet, flat pictures of clay to tell a story. अब मेसोपोटामियम के अंदर और कौन कौन सी चीजें जो हैं इन्वेंट हुई हैं. अब जो है एक वहां की सिटी है सुमर. ठीक है, वहां पे क्या इन्वेंट हुई, क्या उन्होंने इन्वेंट किया वहां पे, वहां पे जो है वहां पे इन्वेंट हुई है, वहाँ पे क्ले जो है, क्ले की जो है बनी हुई क्ले टैबलेट जो वो लोग बहुत फ्लैट होती है, फ्लैट पीस ऑफ क्ले जिसके ऊपर वो स्टोरी जो है कोई स्टोरी टेल कर सकते हैं, स्टोरी लिख सकते हैं, स्टोरी डिस्क्राइब कर सकते हैं. इट्स लाइक अ पिक्चर्स के फॉर्म में. ठीक है, राइटिंग इज नॉट द ओनली कंट्रीब्यूशन. सिर्फ राइटिंग एक कंट्रीब्यूशन नहीं है. द मेसोपोटामिया मेड टू द वर्ल्ड पीपल ऑल्सो बिलीव द व्हील was invented there. अब मेसोपोटामिया में सिर्फ राइटिंग सिर्फ नहीं थी, उन्होंने यही चीजें नहीं इन्वेंट की थी, उन्होंने एक व्हील्स भी वहां पे इन्वेंट हुए थे. मेसोपोटामिया पुट वुडन रोलर कर्ट वुडन रोलर अंडर कर्ट सो डेट दे कुड ट्रांसपोर्ट गुड एंड पीपल मोर इजिली. टूडे वी बेनिफिट सॉरी बेटा, मैं स्क्रीन जो है आर स्क्रीन वेट अ मिनट. पीपल ऑल्सो बिलीव दैट व्हील्स वॉज इन्वेंटेड देयर. अब क्या है, यहाँ पे जो है व्हील्स भी जो थे वो इन्वेंट हुए थे. अब किस तरह उन्होंने व्हील्स को इन्वेंट किया था, द मेसोपोटामियंस पुट वुडन रोलर अंडर कर्ट्स सो दैट दे कुड ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल मोर इजिली. ठीक है, अब क्या थे कि यहाँ पे जो थे क्या था कि ये लोग जो थे यहाँ पे अब व्हील्स भी इन्वेंट हुए थे और उन्होंने क्या किया था कि उनके पास जो वुडन रोलर कर्ट्स थे उनके ऊपर जो है बेसिकली सामान कैरी किया जाता है, जो कर्ट्स वगैरह होते हैं तो उसके नीचे उन्होंने कर्ट्स लगा ले ताकि जो उनके गुड्स वगैरह थे, जो उनको ट्रांसपोर्टेशन का काम था वो इजीली हो सके. ठीक है, टुडे वी बेनिफिट्स फ्रॉम द इन्वेंशन ऑफ व्हील्स इन एवरीथिंग फ्रॉम वॉचेस टू एरोप्लेन्स. ठीक है, अब क्या है, अब तो हमारे पास एरोप्लेन्स के थ्रू भी जो चीजें जो है वो इधर से उधर ले जाई जा सकती हैं. ठीक है, नाउ कम टू द इजिप्ट. ठीक है, What things Egypt invented? अब Egypt के अंदर कौन कौन सी चीजें थी जो invent हुई थी. ठीक है, from the Tigris rivers you sail all the way to the Mediterranean Sea. Now you can see the coast of Egypt. The Egyptians were very good at mathematicians, medicines and architectures and sculptures. They had a rich कल्चर ऑफ आर्ट. अब क्या था इनके पास, एक जो है वो ये कल्चर आर्ट के अंदर जो थे वो बहुत ज्यादा जो थे वो उनका बहुत ज्यादा इसके अंदर जो था उनकी बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज थी. किस में, मैथ्स में, मेडिसिन में. ठीक है, मेडिसिन में ये बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे, मैथ्स में एक्सपर्ट थे और आर्किटेक्चर में ये बहुत ज्यादा जो थे वो एक्सपर्ट थे. उसके बाद क्या है, they learn to make paper from the plant called capres. अब जो plant जो उन्होंने एक plant था capres, उससे क्या किया था कि उन्होंने क्या invent किया था, उन्होंने paper invent किए थे Egypt में. ठीक है, because we use paper in search of Sumerian clay tablet, today we have books, magazines and newspaper. अब क्या है, हमारे पास ये magazines हैं, newspapers हैं. ठीक है, जिनके थ्रू जो है इनको पेपर्स को यूज किया जाता है. पहले जो थी वो क्ले की टैबलेट्स थी जिनको यूज किया जाता था. ठीक है, तो
तो अब जो है ये भी ये चीजें जिनको जिनसे जो है यूज किया जाता है, पहले सुमेरियन की जो क्ले टैबलेट्स थी उनको यूज किया जाता था, ठीक है, अब जो है अब उसके उसके बजाय अब मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, ये सब चीजें जो है वो यूज की जाती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं चाइना। अब चाइना ने कौन कौन सी चीजें इन्वेंट की थी। चाइना ने हमारे पास जो इन्वेंट किया था उसके अंदर जो है द नेक्स्ट कंट्री यू विजिट, अब ये सारा कुछ विजिट हो रहा है ना, द नेक्स्ट कंट्री यू विजिट कैन नॉट बी रीच बाय सील बोट, आप सील बोट से नहीं रीच कर सकते। चाइना इज ओवर 5000 मील अवे फ्रॉम इजिप्ट, अब चाइना जो है वो इजिप्ट से 5000 मोर अवे जो है वो जो है दूर है, ठीक है। यू विल मेक ट्राई टू यू विल मेक ट्राई टू ईच अवे फ्रॉम इजिप्ट, ठीक है। क्या है, चाइना इज ओवर 5000 मील अवे फ्रॉम इजिप्ट, अब इजिप्ट से जो चाइना है वो कितनी दूर है, 5000 मील अवे है इजिप्ट से। यू विल बी ट्राइड व्हेन यू रीच चाइना बट योर ट्रिप इज नॉट फिनिश्ड, यू हैव वन मोर लॉन्ग वीगल्स टू मेक अक्रॉस द पैसिफिक ओशन, लाइकली द चाइनीज हैव इन्वेंटेड अ डिवाइस कॉल्ड अ कंपास, ठीक है। अब चाइनीज ने जो क्या कौन सी चीज इन्वेंट की, कौन सी डिवाइस इन्वेंट की, अब चाइनीज ने इन्वेंट किया कंपास। This is very important invention. It help you to find your way on land or sea by always pointing to the north. It was originally invented to people China sailors navigate. Now we have compasses on our cell phones and in our cars, so no one needs to get lost. अब क्या है, अब हमारे पास ये जो कंपासेज हैं, जो हमारे पास मैप्स हैं, क्या है, अब हमारे मोबाइल्स के अंदर भी है, तो कोई भी है जो है वो गुम नहीं सकता। तो ये दिस कहाँ की ये इन्वेंशन है, किसने इन्वेंट किया, ये चाइनीज ने इन्वेंट किया। विच कंट्री इन्वेंट द कंपास, यस चाइनीज, वेरी गुड, चाइनाज ने इन्वेंट किया, चाइनीज ने जो थी ये डिवाइस इन्वेंट की थी, वेरी गुड। अब आ जाते हैं मेक्सिको, वी लर्न अबाउट द मेक्सिको, यूजिंग योर कंपास यू कैन सेल ऑल द वे अक्रॉस द पैसिफिक ओशन टू मेक्सिको, देयर यू विल एक्सप्लोर अनदर एंशियंट सिविलाइजेशन द माया, दिस वॉज द वेरी एडवांस सिविलाइजेशन विथ मैनी इंटरेस्टिंग कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। The Maya created and discovered many important things using only very simple tools. There were excellent astronomers and mathematicians. They developed a written language using hieroglyphics and they built huge pyramids and sculptures. The Maya produced many different goods, including tools, jewelry, and clothes. They also made a new kind of drink by mixing cocoa beans with spice, water, and chilies. They used the drink in special ceremonies and to make people healthy through the special Maya drink tasted butter. What they made was actually a kind of chocolate until the Maya invented it. No one had ever tasted चॉकलेट बिफोर। अब जो है अब हमारे पास इस कंट्री के अंदर क्या था, एक बहुत ये सिविलाइजेशन इनका इनके जो कस्टम से ये इनके जो ये जो ज्यादा इंटरेस्टेड थे ये किसमें, इनका जो कल्चर और इनके जो कस्टम थे वो बहुत सिविलाइजेशन वो बहुत ज्यादा कदीम है, पुराने रस्म रिवाज इनके। अब जो इनका जो माया जो है वो उन्होंने क्या क्रिएट किया, ठीक है, उन्होंने क्या इन्होंने कुछ सिंपल टूल क्रिएट किया और वहाँ के लोग जो थे वो दे आर एक्सलेंट इन एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स में और एस्ट्रोनॉमर्स जो थे उनकी बहुत ज्यादा वो अच्छे थे। दे डेवलप आर रिटन लैंग्वेज यूजिंग हेरोग्लिफिक्स, ठीक है, अब इनकी जो लैंग्वेज थी हेरोग्लिफिक्स में ये बहुत ज्यादा उन्होंने डेवलप की थी। उसके अलावा जो इन्होंने पैरामिड्स जो थे उनके पास पैरामिड्स और स्कल्पचर जो जिनको मुजस्मे कहते हैं और वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट टाइप्स की उन्होंने गुड्स बनाए, ज्वेलरीज और टूल्स थे जो उन्होंने बनाए थे। इसके अलावा एक ड्रिंक थी वहाँ पे जो वहाँ के स्पेशल सेरेमनीज पे
यूज होती है, जो उनके ट्रेडिशंस होते हैं वहां पे स्पेशल सेरेमनीज पे उनकी जो ये सब चीजें जो थी वो यूज होती थी और लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। इसमें स्पाइसेस होते थे, कोको बीन्स होते थे, ठीक है, कोको बीन्स होते थे और चिलीज डालकर जो बनाते थे, और ये बहुत ज्यादा इनके स्पेशल जो सेरेमनीज पे थी ये यूज होती थी। ठीक है, तो ये वी हैव लर्न अबाउट द फोर कंट्रीज। ठीक है, अब इन द एंड वी हैव सील ऑन अ सुमेरियन बोर्ड found your way with Chinese compass and you can write all about your journey on the on some Egyptian papyrus. ठीक है, अब क्या है कि जो है अब इसके बारे में क्या हमें लिखा बताया गया है कि हम लोगों ने सबसे पहले जो है सुमेरियन बोर्ड पे हम लोगों ने ट्रेवल किया, उसके बाद आप लोगों कंपास से जो अपना वे आप लोग फाउंड करे ढूंढे, एंड देन यू विल राइट अबाउट द ऑन द इजिप्टियंस पेपर, जो इजिप्टियंस ने जो पेपर बनाया आप उसके ऊपर आप अपनी ये पूरी जर्नी जो है वो डिटेल में लिखें। व्हाट डिटेल सपोर्ट द मेन आइडिया, थिंक ओके। टुडे आर चैप्टर नंबर 9 कंप्लीटेड, जर्नी बैक इन टाइम। डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? सवेरा, मुकर्मा, अलीजा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई चीज समझ रहे हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन अबाउट दिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? ओके ओके, टुडे सेशन इज ओवर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।